सबको नमस्कार प्रणाम। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। वंदन अभिनंदन सबको। और अभी हम प्रोग्राम में जा रहे हैं, आप सबको दिखाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, वहाँ जाके दिखाएंगे कि पानी से हम लोग हेल्थ को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, और पानी ही हम लोग के लिए जीवन है। और दूषित पानी से हम लोग बहुत से बीमारियों से जूझ रहे हैं, और अच्छी पानी पीने से हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, बीमारियों से लड़ सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रोग्राम स्थल पर, और अभी दिखाते हैं आप लोगों को प्रोग्राम कैसा हो रहा है। बताइएगा थोड़ा आज के इवेंट के बारे में। देखिए, आज हर महीने मंथ के हम ये प्रोग्राम को रेगुलर यहाँ पे करते जा रहे हैं, और आज हजारों लोगों की जिंदगी को परिवर्तन करने का मौका मिला है। तो कैंगन वाटर एक ऐसा पानी है, एक ऐसा जल कहेंगे तो पानी नहीं कहेंगे, जल कहेंगे, हुआ है शक्ति है कि जल को बदलने से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया है और लोगों की सेहत में बहुत सारा लाभ देखा गया है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ आपके बॉडी की इन्वायरमेंट को चेंज करता है, जबकि एसिडिक इन्वायरमेंट को अल्कलाइन बनाने में मदद करता है, और स्वतः इसका बहुत सारे बीमारियों में से लाभ स्वतः लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और आपने लाइफ टेस्टिमोनियल भी बहुत सारे लोगों का सुना जो इस पानी को एक्सपीरियंस किए हैं, और आपके सामने इनकी जानकारी भी ले सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आती है, इसकी कंपनी की कोई अपनी ऑफिस नहीं होती, ये डायरेक्ट सेलिंग जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके थ्रू ही आपको। इसमें कोई केमिकल नहीं होता, इसमें जो पानी में जो मिनरल्स प्रेजेंट है उसी से ये पानी अल्कलाइन बनता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिटिव और केमिकल ऐड नहीं किया। आपको उसी प्रकार से आपको ये अल्कलाइज वाटर देता है और आपके सेहत में लाभ देता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कैप्टन मनीष कुमार है, मैं जमशेदपुर का निवासी हूँ, मानगो में मैं रहता हूँ, और मैं मर्चेंट नेवी में कैप्टन हूँ, और मेरी एक कंपनी है दुबई में इंटरनेशनल ऑडिट टीम, उसका डायरेक्टर हूँ। आप कुछ बोलना चाहेंगे? इंडियन मर्चेंट नेवी के कैप्टन मनीष जी दूषित जल को लेकर जागरूकता कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी पहल है। लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आया कि इनके अवेयरनेस से इतना तो है कि लोग कोल्ड ड्रिंक से दूर भाग रहे हैं और एल्कलाइन वाटर पीने का रोल बढ़ रहा है। जानकारी देने जाएंगे। अगर इस ये मैं आपको श्योर करता हूँ कि जो समय आप यहाँ बिताएंगे ना, इस समय को बहुत ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि ये समय आपकी जिंदगी को बढ़ाएगा। पानी की जानकारी से, पानी हमारे शरीर का 70% हिस्सा होता है। जब हम माँ के गर्भ में थे तो पानी से ही उत्पन्न हुए, और उत्पन्न होने के बाद हमारे शरीर को 70% पानी कंट्रोल करता है। अभी लैम्फोसाइटिक्स करेंगे हम लोग। I'll invite to Captain sir, please. ये पानी के बारे में जो बताया जा रहा है बिल्कुल अमृत समान है। हजारों दवाओं के बीच हम लोग जूझ रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, और एक सिर्फ ये पानी पीकर हम लोग स्वस्थ हो सकते हैं, अपनी सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं और पूरा एनर्जी फील कर सकते हैं, और स्वास्थ्य है तो हम लोग का जमान है और कुछ नहीं है। इसलिए इसमें पानी की जरूरत अपना है और अपना स्वास्थ्य बचा के रखें। हम लोग आपने से आग्रह करते हैं और प्रोग्राम पूरा देखें, तो शायद आपका जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो सकती है। हम आज जब फंस जाते हैं ना, बोलते हैं आज हमको भगवान यहाँ से निकालो, कल हम सब कुछ करेंगे जो हमको करना है, चाहे 3 किलोमीटर चलना है, चाहे 5 किलोमीटर चलना है, हम वो सब कुछ करेंगे जो हमें करना है। तो स्वास्थ्य को बहुत प्राथमिकता देनी चाहिए। डॉक्टर्स ने कहा था हमें, थॉमस एडिसन ने कहा था बहुत पहले, उस पर कभी खर्च नहीं करें। बॉडी में देखिए, आई में 95% वाटर, ब्लड में 94% वाटर, लंग्स में 85% वाटर, ब्रेन में 83% है, किडनी में 83% है, हार्ट में 75% है, मसल्स में 75%। तो 70-75% वाटर ही आपके हर एक अंग में, हर एक शरीर में, लेकिन आप इसमें कभी सोचते नहीं है, क्योंकि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी, और आज आप ये जानकारी लेके जाएंगे वो आपको इससे आज से पहले ना मिली होगी ना आगे मिलेगी। इसलिए आप इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि ये आपका जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आपको फल देगा नहीं देगा। तो जल ही जीवन है, लेकिन क्या हमारे जल में जीवन है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वो हम आपको दिखाएंगे जाने अनजाने में किस तरह का पानी का सेवन कर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं।
क्यों? हम बंद बोतल का पानी बहुत सेवन कर रहे हैं। WHO का रिपोर्ट है, आरओ का पानी आज यूएस यूरोप में बैन कर दिया, लेकिन इंडिया में हम इसे कर नहीं सकते क्योंकि इंडिया में सप्लाई वाटर ही नहीं है हर घर घर। क्या 20 साल पहले आरओ की जरूरत पड़ती थी? नहीं पड़ती थी। क्यों पड़ी? क्योंकि इसके सबसे बड़े दोषी भी हम ही लोग हैं। सारे पानी को कंटामिनेट किए हैं, प्लास्टिक डाल के, पेस्टिसाइड डाल के, मेडिसिन सारे बायो वेस्ट डाल के, इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल के, तो हमें आरओ की जरूरत पड़ी। आज कैमरा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें ईश्वर ने जो दिया है अगर हम उसे सही संभाल के रखते हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, फ्री में मिलता है। लेकिन वही जब पॉवर्टी में वेंटिलेटर की जरूरत लाखों रुपए खर्च करने पे मिलते थे क्योंकि हमने उसकी कदर नहीं की सर, और आज हम जल की भी कदर नहीं कर रहे, इसलिए आज हमें ये सब खर्च करना पड़ रहा है। झारखंड बिहार में हर एक 6 मिनट में एक आदमी को कैंसर हो रहा है। झारखंड का भूजल पीने योग्य नहीं है, आर्सेनिक की मात्रा हमारे पानी में बहुत ज्यादा है। पूरे देश भर में 98% जो भूजल है पीने योग्य नहीं क्योंकि नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये आसपास साहेबगंज का पूरा सर्वे रिपोर्ट है, 2000 किलोमीटर का सर्वे रिपोर्ट किया था गंगा के आसपास। आज गांव में इनके गांव में 50-50, 60-60 लोग जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें भी कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। मैं आपको पानी के लिए कैंसर का वीडियो चलाऊंगा, देखिएगा हमारे जल की स्थिति क्या है। नितिन जी थोड़ा वीडियो प्ले कीजिए। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे बीमारियों में, चाहे कार्डियोवास्कुलर हो, लंग्स हो। आपको पता है ये साल आंकड़ा है कि करीबन 2023 में 6 करोड़ लोगों की डेथ सिर्फ कार्डियक अरेस्ट से होने वाली। क्यों? क्योंकि कोविड के दौरान हमारा खून बहुत मोटा हो गया, स्टेरॉइड बहुत सारे लोगों ने लिया, बहुत सारे मेडिसिन का सेवन किया, और जिसकी वजह से आज खून इतना मोटा हो गया है कि आज तो 35 से 45 साल के बीच के लोगों को बहुत ज्यादा कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। पिछले महीने करीबन परमानंद में 35 से 45 के जो उम्र के लोग थे 70% थे और 400 लोगों को स्टंट लगा है। क्योंकि अगर बारिश में छतरी लेके जाएंगे, अम्ब्रेला लेके जाएंगे तो कम भीगेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे तो आपको जुकाम हो सकता है, आपको सर्दी हो सकती है क्योंकि बारिश में आप सीधा एक्सपोज हो रहे हैं। तो अगर प्रिवेंशन की बात करें प्रिवेंशन ही ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पे आपका सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट है। आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? कहते हैं ना जरूरत ही जननी होती है, हर आविष्कार की जननी होती है। हुआ क्या, जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी बम में जब वहां पे एटॉमिक बम का अटैक हुआ तो वहां की पानी काफी दूषित हो गया। अब ये पानी काफी दूषित हो गया वहां के रेडिएशन इफेक्ट से, तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला भाई अब हम अपने आने वाले जनरेशन को कैसे बचा सकते हैं। तो उन्होंने एक उपाय निकाला, कैंडी वाटर। उन्होंने रिसर्च किया करीब 25-30 साल, फिर 1974 में आविष्कार किया और उन्होंने डिवाइस तैयार किया कैंडी वाटर। और फिर उन्होंने क्या किया, चार जगह का सैंपल लेके, चार का जगह आप समझम गंगोत्री लोदे फ्रांस, यहां पे गया हूं फोटो के मेक्सिको, इस जगह पर उन्होंने पानी का सैंपल कलेक्ट किया और उन्होंने रिसर्च किया और बनाया कैनिंग। कैनिंग मतलब मूल की तरफ, अब प्रकृति की ओर वापस जाए। ये क्या करता है, आपके नॉर्मल पानी को रिस्ट्रक्चर करता है। और गंगोत्री में पानी में चार खूबी पाई गई, क्या वो पानी एक्टिव हाइड्रोजन वाटर रहता है, वो पानी एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो पानी सूक्ष्म होता है, माइक्रोक्लस्टर होता है, और वो पानी अल्कलाइज होता है। हम बहुत सारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं आवे अपना ये पानी लेकर आते हैं, गंगोत्री का पानी लेकर आते हैं, जो मुस्लिम जो परिवार है वो आवे समझम का पानी लेकर आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि इस पानी को चारों खूबियां रहती है। आप उस पानी को सालों रखेंगे तो आपको कीड़ा नहीं लगता। क्यों? इसलिए हमें उसे, क्योंकि वो अल्कलाइन रहता है। ये पानी अप्रूव, ये कैंगर वाटर अप्रूव मेडिकेटेड इक्विपमेंट है। 1974 से 1994 तक सिर्फ हॉस्पिटल के लिए लगता था, आम आदमी में तो अवेलेबल भी नहीं था। ये सिर्फ जापान के हॉस्पिटल में 6,500 डॉक्टर ने 10 लाख पेशेंट्स में इसका ट्रायल किया और इससे बहुत ही हर एक बीमारी में इसकी बहुत बखूबी रिपोर्ट देखी गई। फिर इंडिया में 2016 में इसे लॉन्च किया गया। आप देख सकते हैं जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे अभी कि ये FDA में रजिस्टर्ड है, इसे FDA ने अप्रूव कर रखा है क्योंकि ये अप्रूव मेडिकेटेड इक्विपमेंट है। सोरायसिस एक्जिमा में बहुत काम आता है। आपको पता है ये जल कैंगर वाटर जो है 2.5 pH का US में लॉसेटेस में मैंने इसको लिया था $150 मतलब 13,000 से 14,000 में एक 2.5 pH का पानी मिल रहा था। 6 pH का पानी ब्यूटी वाटर है, आप उसको फेस में स्प्रे कर सकते हैं। 7 pH का पानी क्लीन वाटर होता है, न्यूट्रल वाटर होता है। 8.5 से 9 pH का पानी पीने योग्य होता है और 11.5 pH का पानी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर होता है, जो कि आप पेस्टिसाइड जैसे बताया, पेस्टिसाइड बहुत बड़ा कारण है कैंसर का।
11:30 में इसका पानी आप जब फल फ्रूट्स को धोएंगे तो उससे सारा पेस्टिसाइड बाहर निकल जाएगा। ये सोना से भी महंगा रहता है, ये मशीन इसने बेस की थी, आपने प्राइस देखी होगी। क्यों? क्योंकि ये ब्रेड आपको कभी भी मेटल क्वालिटी नहीं दे सकता, ये 25 से 30 साल इसकी लाइफ है जो कंपनी लिख के देती है, 5 साल इसकी वारंटी है। तो ये बेस कीमती मशीन है। आपको नॉर्मल सेल्स क्या होता है, फ्री रेडिकल अटैक करता है और वो डैमेज हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे लोगों को डायबिटीज बढ़ती जाती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपका सेल्स रिहेबिलिट नहीं हो रहा। वो कैसे काम करता, देखिए हम एक फल काटते हैं, थोड़ा देर में लाल होता है, फिर वो सड़ जाता है, इसी प्रकार हमारा पानी भी सड़ जाता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। देखिए किसी को भी डायबिटीज एक दिन में नहीं हुई, किसी को ब्लड प्रेशर एक दिन में नहीं हुआ, किसी को किडनी प्रॉब्लम एक दिन में नहीं हुआ। आज तक दुनिया में किसी को हार्ट कैंसर नहीं हुआ। आपने कभी किसी को सुना है कि हार्ट कैंसर हुआ है? पूरी दुनिया में किसी को हार्ट कैंसर नहीं हुआ। क्यों? उसका हार्ट का जो सेल्स का वोल्टेज होता है -120 मिलीवोल्ट। हम तब तक नया सेल्स बनाते रहते हैं, बीटा सेल्स जिसको डायबिटीज बोलते क्यों नहीं होती, क्योंकि बीटा सेल्स हमारे तब तक बना रहता है जब तक हमारे शरीर का वोल्टेज -50 मिलीवोल्ट का था, माइनस, तब तक हम नया सेल्स बनाते। अगर किसी को डायबिटीज होगी मतलब आपके शरीर का वोल्टेज नीचे है। हम दिखाएंगे कि कैनन वाटर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके शरीर को वोल्टेज को, नेगेटिव वोल्टेज मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट कैसे प्रदान करता है और आपका नया नया सेल्स कैसे बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो मुझे भी नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके शरीर और ये वोल्टेज यही आपके नए नए सेल्स को बनाने में मदद करता है। तभी आपको ऐसे दिखेगा, परसों भी दिखेगा, हमारे जब बचपन में माता जी लोग कहती थी, दादी माँ कहती थी, भाई पानी बासी हो गया फेंक दीजिए, लेकिन ये बंद बोतल कब से पी रहा है, 8 महीने से पड़ा है, पता भी आप इसी पानी का सेवन कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारा पानी भी सड़ जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है? बहता हुआ पानी कभी ऑक्सीडाइज नहीं होता। हमने क्या किया, उस पानी को डैम में बांध दिया, फिर आर ओ के टंकी में बांध दिया, अपने घर के टंकी में बांध दिया, तो पानी भी सड़ जाता है। और जाने अनजाने अगर पूरा अगर लेबर की भाषा में कहे, जंग लगा हुआ है, ये सड़ा हुआ पानी पी रहे हैं। अब हम आपको एक्टिव हाइड्रेट दिखाएंगे, उससे पहले मैं अपने सहयोगी चिंटू जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो कि रांची से स्पेशली आए हमें डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, और वो मेरे सहयोगी है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। जैसा मैंने आपको बताया था माइक, कि जो जानकारी मिल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन वाटर क्या होता है? जब आप पहाड़ों से पानी को गिरता हुआ एक ग्लास में कवर करेंगे ना, तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। पानी अपने आप में हाइड्रोजन है, लेकिन उस ग्लास में जो बबल्स आपको दिखेगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव हाइड्रोजन। कोई बात कर सकते हैं, देखिए। ये एक्टिव हाइड्रोजन वाटर, ये जो पानी है ये अपने आप में एक्टिव हाइड्रोजन है, क्लाउडी वाटर है, और दो मॉलिक्यूल्स का पानी है। पानी जितना पतला होगा, जितना महीन होगा, उतनी ही जल्दी आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, पेनिट्रेट होगा, और देखते देखते ये प्लेन वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, दिख रहा है? और ये 40-50 सेकंड इसमें रहेगा, इससे जितना लाइव वाटर पिएंगे उतना आपको ज्यादा फायदा देगा। जैसा आप देख रहे हैं, एक विटामिन सी हम खा रहे हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 176, लेकिन हाइड्रोजन का सिर्फ 2 है, तो हाइड्रोजन पर ट्रेवल करेगा, विटामिन सी पहले जाएगा आपके, हाइड्रोजन ट्रेवल करेगा, इसलिए हाइड्रोजन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपको अपने देखे डॉक्टर भी बता रहे थे कि आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को भी ये पार कर सकता है, इसलिए हमने देखा है, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जितने भी लोगों को लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, उनको ये पानी बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है और सेल्स को रिहेबिलेट करता है, ब्रेन बैरियर सेल्स को भी, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर पार कर सकता है। पानी पी रहे हो चाहे रॉ वेजिटेबल्स का, रॉ पाना पका होने, अब देखिए कैनन वाटर आपको किस तरह से एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाता है। बहुत शौक से पिए जाने वाला, हमारे गेस्ट को सर्व किए जाने वाला ये एक सॉफ्ट ड्रिंक है। जब मेहमान घर में आते हैं तो हम लोग बहुत आदर सत्कार से उनको सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करते हैं।
कितना हानिकारक है ये अभी आपको कुछ ही क्षणों में दिखेगा। वहीं बाजार से खरीद कर बोतल बंद पीने वाला पानी क्या पीने के योग्य है? कितना सड़ा हुआ है ये पानी, कितना खराब है ये पानी, ये अभी दर्शाएंगे। वहीं तीसरा पानी जो हर घर में आरओ लगा है, आरओ वाटर कितना परफेक्ट है हमारे शरीर के लिए, कितना हानिकारक है वो भी अभी दिखेगा आपको। क्योंकि पानी की जानकारी नहीं होने की वजह से ही इस तरह की गलतियां हो रही है। वहीं बाजार में कुछ महंगे बॉटल्स भी आते हैं। हम लोगों का जो पानी है वो 7.365 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 7.5 से ऊपर। जो महंगे बॉटल्स है उसमें पीएच पेंशन होता है 9.5 पीएच, बट देखना यह है कि कितना ऑक्सीडाइज है। और वहीं पर अभी केनियन वाटर निकाला गया जो इस मशीन से जो आप ही के पानी को स्वस्थ बनाता है। पानी देखने में एक जैसा है ना, कोई अंतर दिख रहा है क्या? पानी में कोई डिफरेंसेस दिख रहा है आपको? सारे एक जैसे है ना? क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा पानी अच्छा है और कौन सा खराब है, कौन सा पीने के योग्य है? नहीं ना, यही गलतियां हो रही है सर। जिस पानी में जलवन होगा वो पानी आपको जीवन देगा। दैट मीन्स जिस पानी में इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आपके बॉडी को एनर्जी देगा। माइनस ओआरपी, आपके शरीर को हमेशा निगेटिव एनर्जी चाहिए। जितना बॉडी के अंदर ऊर्जा होगी, पॉजिटिव और निगेटिव का खेल चला, उसी समय से लोगों ने समझा कि पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है। जितना ऑक्सीडेशन का पार्ट है वो पॉजिटिव का है और जितना इलेक्ट्रॉन का पार्ट है वो निगेटिव का है। आप कोविड में अपने बॉडी को निगेटिव की ओर लाने के लिए विटामिन सी का प्रयोग किए, ग्रीन टी पिया आपने, लेमन लिया आपने, ये सारे आपके बॉडी की इम्यूनिटी को इनहांस करता है, बढ़ाता है। लेकिन क्या हम ऐसा पानी पीते हैं जिस पानी में निगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अभी हम आपको एक छोटे से झलक में दिखाएंगे आखिर ये पानी करता क्या है और क्यों हमें ऐसा पानी पीना चाहिए। कोई असर नहीं हुआ। अब हम अपनी बॉडी को दवा के सहारे एंटीऑक्सीडेंट देने की प्रॉपर्टी दी। सारे लोगों ने इस कोविड में विटामिन सी का प्रयोग किया होगा, लेमन लिया होगा, कितना, एक दो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। ये क्या करेगा वो देखिए। इसने आपके बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स प्रदान किया दवा के सहारे। वहीं हमारा ये पानी टैंकर वाटर डाल रहे थे कि कैसे थोड़ी डिटॉक्स करता है। क्या आप दवा लेना पसंद करेंगे या पानी पीना? अब ये पानी ने ऐसा किया क्यों वो भी जानना आप चाहेंगे। क्या इस पानी में ऐसी क्या खूबी है? सर, इस पानी के अंदर प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, निगेटिव की प्रॉपर्टी है, वो मैं भी दर्शाता हूं। ये आपके सामने पांच पानी रखा है, एक मीटर के सहारे बहुत शौक से पिए जाने वाला जो पानी है, सर्व करते हैं मेहमानों को, प्लस पे आ रहा है। प्लस की सारी चीजें खराब होती है, ऑक्सीडाइज होती है, जितना प्लस पे आएगा उतना ही खराब है, उतना ही आपकी एजिंग जो है फास्ट होएगी, उतना ही आप स्ट्रेस लेवल पे जाएंगे। प्लस पे दिख रहा है सारा, दिख रहा है सर? अगर मैं इसको बोलूं कि ये सड़ा हुआ है तो शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं इसकी भी परिभाषा अभी आपको थोड़ा सा सामने दिख रहा है। ये जंग लगाओ पानी कहेंगे वो, ना अपने घर में जब आरओ का पानी है, ये भी प्लस पे है, जब निगेटिव आए ये भी प्लस पे है,
सारे पानी ऑक्सीडाइज है, माइनस में, शायद ये माइनस में होगा, माइनस माइनस है। ऐसी क्या खास बात है इस पानी में, इसकी भी जानकारी अभी देंगे। प्यास को बुझाते हैं इसी से, वेस्ट वाटर निकला हो इसी मशीन से, जो आपका पानी है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, पानी दो भागों में बढ़ जाता है। अभी सर ने बताया आपको पानी के अंदर दो सॉलिड्स होते हैं, एक एसिडिक होता है एक एल्कलाइन होता है। जो एल्कलाइन होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और जो एसिडिक सॉलिड्स होता है वो बहुत हार्मफुल होता है। ये उस मशीन से पानी को डिवाइड किया हुआ दूसरा पार्ट है जो फुल एसिडिक, आप देख सकते हैं कितने वॉल्यूम पे ये भाग रहा है। अच्छे मिनरल्स तो इधर आ गए जिसकी वजह से पानी छोटा अल्कलाइन और आप देखिए एंटीऑक्सीडेंट। जब करने लगेगा ना आपको नींद बहुत अच्छी आए, आपको नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत मचलते हैं, आपको एसिडिक स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। जैसे ही आप एंटीऑक्सीडेंट लेना चालू करते हैं एंटी वाटर, आपके फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज होता है और आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर सेल्स को हाइड्रेट करता है और आपको धीरे धीरे नींद बहुत अच्छी आती है। अब हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी है अल्कलिनिटी में। हमारा ब्लड का जो पीएच होता है 7.31 टू 7.41 होता है। अब हम देखेंगे, देखने में सारा कुछ अच्छा लग रहा है पानी, 7 पीएच से जो भी नीचे ले रहे हैं वो आपके अच्छे सेल से इलेक्ट्रॉन्स की चोरी कर रहा है, आपके बोन कैल्शियम की चोरी कर रहा है आपके बोन से, और आपके बॉडी को अल्कलाइन बनाने की मदद कर रहा है। लेकिन अगर आप अच्छा अल्कलाइन वाटर पिएंगे, एंटीऑक्सीडेंट पानी पिएंगे, अल्कलाइन वाटर कहेंगे, हम इसे अल्कलाइन नहीं कहेंगे, अल्कलाइन क्यों, क्योंकि ये नेचुरल वाटर। अब हम देखेंगे अल्कलिनिटी टेस्ट करेंगे, क्योंकि जो भी पानी होता है वो एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिड होता है। जब आप उस तरह का पानी अपने शरीर पे डालते हो, उसको इनहेल करते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी फॉर्म होती है। जब एसिडिटी होती है तब आप क्या करते हैं, एक गैस का टैबलेट लेते हैं और अपनी बॉडी को एल्कलाइन बनाते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे हमारे शरीर के ऊपर काम करता है। तो कौन सा अच्छा नहीं ना, अभी हम लोग लिटमस टेस्ट करेंगे। पहले ये पेपर के माध्यम से होता था, अब ये पीएच इंडिकेटर के माध्यम से होता है। सारे पानी में सेम ड्रॉप डालेंगे और पानी अपने नेचर को बताएगा कि ये पानी पीने के योग्य है या नहीं। ऐसे गलतियां यहीं से होता, सॉफ्ट ड्रिंक, बोतल बंद पानी, आरओ का पानी, हमारा कुछ महंगा पानी, और कैनियन वाटर, और कैनियन का वेस्ट वाटर। पानी तो एक था, लेकिन पानी ने अपने नेचर को बयां किया कि कौन सा पानी पीने के योग्य है कौन सा नहीं। यहां पर सारे लोग बैठे हैं, क्या कोई इसमें बता सकता है कि इसमें कौन सा पानी पीने के योग्य है और कौन सा पीने के योग्य नहीं है। जाना होगा कुएं के पास, जाना होगा नदियों के पास, जाना होगा। इट नॉट पॉसिबल टू एवरीवन कि आप यहां से वादियों में जाके काम को छोड़ के इस पानी को पी सकते। देखिए सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक हाई पीएच का, और इसी का वेस्ट वाटर निकला हुआ, इसी का वेस्ट वाटर निकला हुआ। तो सर आप ये एसिड रोज अपने बच्चों को पिला रहे, किसी कुछ लोग पहले कहा था कि मैं अपने परिवार से सबसे ज्यादा प्यार कर सकता हूँ, उसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम जाने अनजाने रोज पॉइजन अपने बॉडी में डाल रहे हैं, ये एसिड कंटेंट हम रोज डाल रहे हैं, और ये इसका वेस्ट वाटर। क्यों? सारा आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोराइड सब इस तरफ आ गया, और जो हेल्दी वाटर था सब उस तरफ आ गया। अब हम ये सॉफ्ट ड्रिंक का सोचिए पीएच और इसका पीएच जो वेस्ट वाटर का, तो ये एसिड आप रोज डाल रहे हैं। क्यों नहीं आपको एसिडिटी होगी, क्यों आदमी को कैंसर नहीं होगा, क्यों दूसरी बीमारियां नहीं होगी, जब आप रोज जहर अपने अंदर डाल रहे हैं। कहते हैं ना कोई सिगरेट पीने वाला सिगरेट एक बार में छोड़ नहीं देता, छोड़ भी नहीं सकता। अगर उसी सिगरेट पीने वाला को एक बार सुट्टा मारे और उसको खून की वोमिटिंग हो जाए तुरंत छोड़ दे। इसी तरह हम अपने शरीर में रोज धीरे धीरे स्लो पॉइजन डाल रहे हैं और बीमार और बहुत बीमार है। ये है कम हो गया आपका, धीरे धीरे देखिएगा ये 6 पीएच का हो जाएगा, क्योंकि जिसको का पानी 6 पीएच का। ताकि आपका शरीर स्वस्थ रह सके, और ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि आप झरने के पानी में इस तरह की प्रॉपर्टी को पाते हैं। बनाने के लिए अगर हम एसिडिक वाटर यूज करते हैं तो हमें दवा की जरूरत पड़ती है। जब एसिड आप लेते हैं तो एसिडिटी फॉर्म होती है, एसिडिटी फॉर्म होती है तो आप एक पेंटाप्रेजोल का टैबलेट लेते हैं, राइट, गैस का टैबलेट। ये क्या काम करता है वो देखिए।
ये आपके शरीर को एल्कलाइन की ओर लेके गया। आप दवा के सहारे एल्कलाइन पे जा रहे, बीमारियां जो है दवा उसको ठीक नहीं करती, सप्रेस करती है, लेकिन जो नेचर का पानी है वो आपको ठीक करता है, रिपेयर करता है। देर जरूर लगेगी लेकिन आप दुरुस्त होंगे। आज आप 5 mg का टैबलेट ले रहे हैं, कल 10 का खाएंगे और धीरे धीरे ये ग्राफ बढ़ेगा और बाद में ये दवा काम करना बंद कर देगा सर। तो आपको देखना ये है कि आप कर क्या रहे हैं। अब ये आपको क्या कर रहा है, आप दवाई ले रहे हैं, सेडिमेंट्स कहाँ जा रहा है, किडनी की वेल्स को डैमेज कर रहा है। तो आप अपनी बीमारी का इलाज जल्द से करना चाहेंगे कि मेडिसिन से करना चाहेंगे? और ये तो आपको रोज आज सुबह कल शाम दोपहर में फिर खाना पड़ेगा, लेकिन आप नेचुरल किंग से चाय का पानी का तो सेवन कर रहे हैं। आपका बॉडी 80% पानी से बना हुआ है, ना कि मेडिसिन से। तो आप जल का, अच्छे जल का सेवन करें और अपने एसिडिक स्ट्रेस को कम करें। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, घर में है तो बेस्ट वाटर कैंगन वाटर, बाहर है वही बोतल बंद पानी। सर थोड़े महंगे में जरूर जाएंगे, क्योंकि जो महंगा पानी होता है ना उसकी प्रॉपर्टी कुछ अपने आप में अलग होती है। और जब आप वापस घर आएंगे और अपने पानी का सेवन करेंगे तो सर अगेन आप एल्कलाइन एनवायरमेंट में आ जाएंगे। सी द डिफरेंस। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सर मैं बाहर का दूसरा पानी पिया, लेकिन आप घर में जब अल्कलाइन एनवायरमेंट ले रहे हैं आप बाहर भी गए तो आप अल्कलाइन ही रहेंगे। बाहर थोड़ा सा महंगा पानी पिए, आज 45,000 से 50,000 घरों में सॉफ्ट ड्रिंक बंद हो गया। आज मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने बीमार होने में बहुत प्रसिद्ध थैंक यू बोला कि सर आपकी वजह से आज मेरे बहुत सारे बच्चों ने सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ दिया। और दूसरा उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाना, चाहे वो तंबाकू गुटखा भी खा रहे हैं जो सेवन कर रहे हो, चाहे मदिरा पान का सेवन कर रहे हैं, चाहे स्मोकिंग कर रहे हो, उससे क्या होता है आपका कोई सेल एसिडिक हो जाता है, डेड हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन की कमी होना। अगर किसी को एसिडिटी हो रही है ये बहुत बड़ा आने वाले समय में हो सकता है कैंसर, क्यों? आपका सेल एसिडिक हो रहा है और दूसरा उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये चेतावनी है। और पानी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आप आज से ही फ्लोराइड क्लोराइड अपने पानी में ले ही है, जिसकी वजह से कैंसर सबसे ज्यादा हो रहा है। इसलिए 2030 तक 35 से 40% भारतीय को कैंसर होने जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है कंटामिनेटेड वाटर। अब ये पानी कैसे हेल्प कर रहा है, आपको एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है, आपका सेल जो है ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिल रही है, और दूसरा आपको पानी को अल्कलाइन बना रहा है, आपको सेल को एसिडिक बना रहा है, एसिडिक को न्यूट्रलाइज करके अल्कलाइन बना रहा है, यही कारण है कैंसर से। और इसलिए आज ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, गुजरात कैंसर हॉस्पिटल, आपका अहमदाबाद कैंसर हॉस्पिटल को लगाया गया, जहां पर लाखों लोग कैंसर पेशेंट्स इसका लाभ लेके बहुत स्वस्थ हो रहे हैं। क्योंकि जब कीमो किसी को चढ़ता है ना तो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं बॉडी को अल्कलाइन बनाने, लेकिन अब वो बोलते हैं आज हमारे साथ कुछ लोग हैं शायद उनका कैंसर पेशेंट का इलाज भी चल रहा है बेंगलुरु में, तो आपको बताएंगे वहां पर 150-150 रुपए पानी खरीद के पी रहे, तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया, तो यह पानी आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो नहीं कि बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल जी पाए, इतना समय भी नहीं है, तो क्यों ना आप 3 से 4 लीटर अच्छा पानी पिए। आपका बॉडी का अगर 80% एनवायरमेंट को चेंज करेंगे तो आपका बहुत कुछ होता ठीक होने लगेगा और रिजल्ट देखा जाता है। तो इन्होंने रिकमेंड किया, आज ये मशीन व्हाइट हाउस में लगा हुआ है, आप सोच सकते हैं। और बीइंग एन अमेरिकन दे आर यूजिंग दिस जापानीज प्रोडक्ट, तो 3 से 4 लीटर आप अच्छा पानी पिए तो आपका शरीर का एनवायरमेंट चेंज होगा। लीवर लंग से इतना ज्यादा काम करवा रहे हैं, इसलिए आज हमारे डायलिसिस सेंटर मेरा हॉस्पिटल भी है जहां पे 13-14 साल के बच्चे आने लगे डायलिसिस, क्यों? उनका किडनी फेल हो रहा है, क्यों? सॉफ्ट ड्रिंक दूसरा बहुत बड़ा कारण है, पेस्टिसाइड हम ले रहे हैं अपने पानी में खाने में, और तीसरा दूषित पानी काम करवा रहे हैं। जहां मैं बोला गाड़ी में हम पेट्रोल डीजल केरोसिन ऑयल नहीं डालते, वहां पे आज हम ये कंटामिनेटेड एसिडिक पानी रोज डाल रहे हैं, क्यों नहीं खराब होगा? चलो फिर भी ईश्वर का दिया हुआ है जो हम लोग को 30-40 साल तक ले जा रहा है। गाड़ी अगर आप 2 दिन के वाश में डालते हैं इंजन बंद हो जाएगा, और इस शरीर का सर कोई नॉन रिप्लेसमेंट पार्ट नहीं है, इसलिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और क्या होता है, जहां कैल्शियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम जो अच्छे इलेक्ट्रॉन्स है जो ऊपर से इस मशीन से आपको मिल रही है वो स्वतः मिल रहा है, हमें 40 के बाद कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे पानी में नेचुरली आपको कैल्शियम मिल रहा है पोटेशियम फिर इलेक्ट्रोलाइट से। अब आते हैं पानी की चौथी प्रॉपर्टी में, अभी पानी करता क्या है आपने देखा, आज हमें बीपी का दवाई लेना पड़ता है, हम क्या करते हैं ब्लड को थिन बनाते हैं, पतला बनाते हैं,
लेकिन ये पानी आपके खून को नेचुरली सूक्ष्म बनाता है, तो बीपी के मेडिसिन आपके कम होने लगते हैं। अब हम जड़ पर तो काम ही नहीं कर रहे, आप ये बीपी का मेडिसिन खाया, शाम को फिर खाया, कल सुबह फिर खाया, लेकिन इसका क्या, इस नली का क्या जो जाम पड़ा है? जैसे आप अल्कलाइन, आप जैसे सर्फ लेते हैं कपड़े साफ करने के लिए, वो भी 11 पीएच का अल्कलाइनिटी लेवल होता है सर्फ, है ना, देखो केमिकल से होता है। यहां पे आप जब अल्कलाइन पानी पीते हैं आपकी आर्टरीज स्वतः क्लीन होने लगती है, क्या आएगा, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपका रेस्ट्रिक्शन कम हो जाएगा। तो हमें जड़ पे काम करना है, सिम्टम को सप्रेस नहीं करना है। अगर आज आप सप्रेस कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को, कल आपको स्टेंट लग जाएगा, स्टेंट फिर भी चोक हो जाएगा, फिर आपको बाईपास सर्जरी की ओर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन तब भी आप जड़ पे काम नहीं कर रहे। 30 से 40 के दिखने लगे हैं, इज इट राइट? पहले के लोग 50 से 30 के दिखते थे, फैक्ट है ना ये? क्यों? क्योंकि आज का पानी इतना मोटा है कि आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा। वो एक मैं छोटे से एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं एक ग्रीन टी लिया, क्या ठंडे पानी में ग्रीन टी बन सकता है? नहीं, नहीं। कोई रिजल्ट नहीं है? नहीं। क्यों ऐसा हुआ? पानी इतना पतला था कि इस पेपर के अंदर गया, उस टी बैग में जाके उस टी के अंदर गया और उसकी प्रॉपर्टी को बाहर निकाला। क्या आपको पता है कि पानी आपके शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है और प्लंबिंग का काम करता है। अगर पानी आपका परफेक्ट नहीं हुआ तो ये तीनों चीज सिस्टम से नहीं करेगा। आप अच्छा डाइट लेते हैं, अच्छा न्यूट्रिशंस लेते हैं, वो आपके सेल तक नहीं पहुंच पाता। इसकी मैंने पहली प्रॉपर्टी आपको दिखाई। अभी हम लोग देखेंगे प्लंबिंग का सिस्टम का काम करता है। सपोज एक केंगेन वाटर यूज करेगा और दूसरा रेगुलर वाटर यूज करेगा। सी दिस वन, सी द डिफरेंस, आपके सामने है। ये पानी इतना पतला है कि आपके खाने पीने के आधे घंटे के बाद जो डाइट आपने लिया है उसके अर्थ को लेके उस सेल तक पहुंचाता है जिसे उसकी जरूरत होती है और सेल आपका हाइड्रेट हो जाता है। नाउ इन दिस डे वी आर डिहाइड्रेटेड। और दूसरे में केंगेन वाटर, पानी के अंदर हल्दी नहीं समाया, हल्दी के अंदर पानी समा गया। उस ग्लास में कोई असर नहीं दिखा, लेकिन इस ग्लास में आपको असर दिख रहा है क्योंकि हल्दी के अंदर पानी गया और हल्दी की प्रॉपर्टी को निकाला। मतलब पानी कितना महीन है वो ये दर्शा रहा है। हल्दी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कुरकुमिन। आप देखते हैं हल्दी को तोड़ते हैं, कच्चा हल्दी को तोड़ते हैं तो पिंक पिंक आपको दिखता है प्रॉपर्टीज, तो कुरकुमिन होता है जो सबसे ज्यादा एंटीऑक्सिडेंट होता है और बहुत ही लाभकारी होता है। हल्दी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसी कुरकुमिन के प्रॉपर्टीज को ये बाहर निकाल देता है। अगर आप नॉर्मल पानी में भी अपना खाना बनाते हैं तो आपको वो इंग्रेडिएंट्स का जो एक्चुअल स्वाद है वो नहीं मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टीज कभी बाहर नहीं आएंगी। लेकिन आप कैंगन वाटर अगर पानी बनाते हैं, कैंगन वाटर पानी से खाना बनाते हैं तो आपको कम चाय पत्ती, अगर आप इसमें ज्यादा चाय पत्ती डालेंगे तो कड़वाहट हो जाएगी चाय, क्यों, तो सारे ज्यादा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। हल्दी कम डालना पड़ेगा, आपको मसाले कम डालने पड़ेंगे क्योंकि वो आपके सारे प्रॉपर्टीज को बाहर निकाल देगा। सबके घर में आपका पानी भी है, अगर आपका पानी ऐसा निकला तो आप सोच सकते हैं आपको क्या डिसीजन लेना है। अगर आज के बाद आपको एसिडिटी होती है तो आपको क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि आप एसिडिक पानी तो पी रहे हैं 5 पीएच का आरओ का पानी। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आपके पास आज तक आपको पता ही था, आपको आज पता चल गया, और ये अगर ऐसा कलर निकला तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा। जीरे के अंदर गया और जीरे की गंदगी को बाहर निकाल लिया, सॉरी जीरे की प्रॉपर्टी को बाहर निकाल लिया। आपके सेल के अंदर भी यही फंक्शन होता है सर। 3 महीना पानी पीने के बाद, क्योंकि आंत की सफाई करता है, ये देखिए कैंसर पेशेंट का आंत है बाएं साइड, ये देखिए राइट साइड है, 3 महीना पानी की पीने के बाद। क्योंकि अगर आपकी आंत में गंदगी है ना तो आप कितना भी अच्छा खाना खा ले आपको न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी एब्जॉर्ब करेगा ही। आप एक पेशेंट को कीमोथेरेपी के थ्रू ये देख सकते हैं आंत है पूरा गंदगी से भरा 3 महीने पानी पीने के बाद। ये कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं सर,
टॉप 5 एमडी ऑफ द वर्ल्ड डॉक्टर जियोनी सिन्हा, ये बहुत बड़े वर्ल्ड के गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर, वर्ल्ड के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने 2.5 पेज का पानी में रिसर्च किया और कैंगन वाटर के ऊपर बुक लिख डाली इन्होंने, करा के कैंसर में बहुत सा लाभ। मैं नहीं कहूंगा कि कभी भी ये पानी पीने से आपकी कैंसर ठीक हो जाए, लेकिन 300% रिजल्ट देती है अगर अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा जरूर चेंज करें। मैं बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है, देखिए 2.5 पेज का पानी स्प्रे करने से आपको एक्जिमा, आपने बहुत सारा टेस्टिमोनियल देखा, आप जो वीडियो पहले चल रही थी, और सोरायसिस, सोरायसिस से मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, अगर आप 9.5 पेज का पानी पीते हैं और 2.5 पेज का पानी स्प्रे करते हैं, बहुत सारे लाखों टेस्टिमोनियल आ जाते हैं, लाखों स्किन डिजीज इस लोग का बहुत होता है। ब्यूटी वाटर, अगर ब्यूटी वाटर को अपने बॉडी में स्प्रे करते हैं स्किन में, आपको एक अच्छा सा ग्लो मिलता है, बहुत सारे पिंपल्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि आपके स्किन को टाइट करता है टोनर का इस्तेमाल होता है। पेशेंट 70% क्यों देखा जाता है लेडीज को, क्योंकि सबसे ज्यादा घर में केमिकल्स लेडीज ही यूज करती है, चाहे टॉयलेट क्लीनिंग हो, चाहे बर्तन सफाई करना हो, चाहे दाल को सफाई करना हो, चाहे यूटेंसिल्स को सफाई करना हो, घर में सबसे ज्यादा केमिकल यूज करती है लेडीज, इसलिए कैंसर भी उनको सबसे ज्यादा। आज हम जो भी फल फ्रूट वेजिटेबल्स खाते हैं वो पेस्टिसाइड से लैस होता है। हमारे फार्मर्स अपने फसल को बचाने के लिए उसमें कीटनाशक का छिड़काव करते हैं जो ऑयल बेस्ड होता है। क्या पानी से तेल धुल सकता है, साफ हो सकता है? इज इट पॉसिबल? मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस पानी में कितना पावर है। इसी मशीन से ये पानी निकलता है, राइट? इसी मशीन से, इट्स नॉट अ मैजिक। तेल के कण को तोड़ दिया, इट्स अ रियलिटी ऑफ वाटर। अब आप बोलेंगे साहब ये पानी है कौन सा, देखने की चाहत है ना सर, ये 11.9 पीएच का पानी है जो आप ही के मशीन से निकलता है। आपको लग रहा होगा कि मैं कोई दूसरा पानी यूज कर रहा हूं, आप इसको देखें कि ये कौन सा पानी है। साढ़े 9 पीएच का पानी आपके एथिस को क्लियर करता है और 11.5 पीएच का पानी आपके फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स को धोने के लिए काम में आता है। मैं महिलाओं से निवेदन करूंगा जब तक उनके घर पे मशीन नहीं लगती है अपनी जिंदगी को जरूर सेव करें, क्योंकि इस कैंसर का सेकेंड लार्जेस्ट रीजन है पेस्टिसाइड्स केमिकल्स। ये केमिकल्स आपको कैसे बचाना है, अपने घर में जो भी छील के खाने वाला है वो तो चलेगा, लेकिन जो बिना छीले खाने वाला है, जैसे टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, मिर्चा हो गया, कैप्सिकम हो गया, धनिया पत्ता हो गया, पालक हो गया, इन सब चीजों से आप पेस्टिसाइड्स नहीं निकाल सकते। क्या निकाल सकते हैं? मैं जरूर उन फल को धोएं और आपको दिखेगा पेस्टिसाइड्स निकलता हुआ। ये बहुत बड़ा रीजन है कैंसर सेल्स को डेवलप करने वाला, आपके बीमारियों को बढ़ाने वाला। मल्टीपल माइलोमा ब्लड कैंसर फर्स्ट स्टेज के डेट हुआ, जहाँ के डॉक्टरों ने भी हमें रिकमेंड किया मीन्स जैसे फर्स्ट कैंसर में ब्लड स्टेज रिकवर हो जाता है, ऐसे डॉक्टर को कहना था, तो उनके लिए प्रिकॉशंस में उन्होंने ये भी बोला कि आप कैंगन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं एज अ हब। इसका तो मेन बैंगलोर में ही है कैंगन वाटर, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने 150 रुपीज़ पर लीटर पर उनको पड़ी कॉस्ट इसकी। फिर आफ्टर दैट डॉक्टरों ने हमें टाइम दिया कि आप 4 मंथ्स के बाद वापस आप फ्री चेकअप में आओ और इसको पानी को आप कंटिन्यू रखना। रिसेंटली जैसे हमारे घर के जस्ट बगल में रहते भैया मिस्टर संजीव कुमार, उन्होंने मुझे बताया कि आप हमारे यहाँ से पानी लेके जाओ, हमारे यहाँ भी मशीन लगी हुई है एंड अभी उनकी रेल काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट अभी उनको केमो लगवाने के डॉक्टर बोले थे, अब रिसेंटली टेस्ट हुआ जिसमें भी बहुत रिकवर हो गया। डॉक्टर ने बोला कि अब मेडिसिन चलेगी, केमो बंद कर देना। बात क्या हो सकती है, शुगर भी है मम्मी को, मम्मी में कुछ आलसी टाइप के था, मम्मी ने चलना फिरना बोलना कुछ नहीं, तब से पानी लेना शुरू किया है तब से मम्मी में बहुत सारा चेंजेस आया हुआ है। मम्मी फिर से पहले जैसे एक्टिव हो चुकी है। मेरे में गैस का प्रॉब्लम था, ये पानी लेने के बाद गैस का प्रॉब्लम मेरा भी नहीं। माता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सिंड्रोम का मतलब ये हुआ कि मेरा जो डाइजेशन सिस्टम था वो पूरा खराब हो चुका था। मुझे दिन में 24 से 25 बार लूज मोशन होता था। मनीष जी के साथ मैं बहुत दिन से जुड़ा हूँ, मनीष जी के परिवार के भी लोग हैं, मेरे ही परिवार के लोग हैं और बहुत सारे जानने वाले लोग भी हैं जो कि मुझे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि 2008 से मैं रेगुलर इस बीमारी से जूझ रहा था।
बहुत इलाज कराया, जमशेदपुर में इलाज कराया, कलकत्ता में इलाज कराया, अपोलो अपोलो क्लिनिकल्स हॉस्पिटल में कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद में सीएमसी वेलोर से 2017 से रेगुलर पेशेंट था, हर 6 महीने के बाद मुझे जाना पड़ता था, दवा लेके आना पड़ता था। बहुत सारे लोग जो कि जानते होंगे दवा का नाम या दवा का असर, मुझे डोपामाइन दिया गया था लोही मोशन के लिए रोकने के लिए, और टिप्टोमर 25 mg दिया गया था। टिप्टोमर 25 mg नींद की दवा है, उसका असर 12 घंटा रहता है। वो दवा खाने से, वो दवा डॉक्टर बोल दिया था कि आपका बीमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये दवा से रुक सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता है। और सीएमसी वेलोर ने भी मुझे मेडिसिन दे दिया, मैं उसे 2016-17 से लगातार दवा खा रहा था, बंद करिए या कम करिए। मैं वहाँ के डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट किया कि इसको कम करिए, तो उन्होंने मुझे फिर 10 mg का कर दिया, लेकिन नींद का ही दवा दिया, बीमारी मेरा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं पिछले साल जनवरी 2022 में मैं कैप्टन मनीष कुमार जी के गया था अपने काम से, पीएम लेने गया था मैं एलआईसी काम से, तो मैं इन्होंने लाके मुझे जनवरी में पानी पिलाया। तो पहले मैं 1 गिलास पानी पिया, बात करते करते फिर बात करते करते 2 गिलास पानी पिया, इस तरह से मैं 4 गिलास पानी पी लिया। फिर मुझे एक स्ट्राइक किया कि ठंडा के दिन में 4 गिलास पानी पी लिया कैसे हो गया, मैं 1 गिलास पानी नहीं पी पाता हूँ, क्योंकि मैं जिसको का पानी पीता हूँ, मेरे यहाँ जिसको सप्लाई है, मैं पहले मांगू करता था, बड़ी खुश हो गया है जिसको एरिया में कि जिसको का बिजली पानी बहुत बढ़िया है, वहाँ भी मैं 1 गिलास पानी पी पाता हूँ। तो जब मैंने 4 गिलास पानी पी लिया तो मैंने पूछा ऐसा कैसे हो गया, मैं 4 गिलास पानी पी लिया, इन्होंने बोला हाँ यही तो खासियत है। फिर बोले ऐसे कैसे हुआ, बोले कि एक स्पेशल पानी है और ये मेडिकल डिवाइस का पानी है, पानी टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि पानी तो फ्री का मिल रहा है, ऐसा लगा सच्चा फ्री का पानी पी लिया जाए। मैं इनके से लेके पानी पीना शुरू किया, 1 हफ्ता में पानी पिया। उस 1 हफ्ता में फायदा क्या हुआ मुझे कि जो मुझे टिप्टोमर 10 mg खाना पड़ता था, वो मुझे पानी से ही रात में 9-10 बजे नींद आना शुरू हो गया, अपने आप अंदर हो जाता था, वो कम हो गया। अब मैं जब सो के उठता था 5-6 बजे तब जाता था। तो पानी पीने से जो संख्या 8-10 बची बिलोर का दवा खाने के बाद भी 8-10 बची, वो संख्या करके 4-5 पे आ गई। तो जो मैं दवा खाने के बाद जो मेरा टाइम वेस्ट होता था, मेरा 8 अगस्त में अपने मशीन लगा लिया, 8 अगस्त 2022 में। मेरी मम्मी को बाइल्स का प्रॉब्लम था, मेरी माताजी का उम्र करीब 80 के आसपास है, मेरी वाइफ को शुगर प्रेशर थायराइड तीनों प्रॉब्लम था। आज स्थिति यह है कि मेरी माताजी का बाइल्स मोटा मोटी पूरा ही खत्म है, कभी बोलती कंप्लेन नहीं करती, मतलब ठीक है। वाइफ का शुगर नॉर्मल हो गया। मैं ये बोलूँगा कि ये मशीन का जो पानी है ये मेडिसिन नहीं है। इतनी अद्भुत जानकारी पाने के विषय में शायद ही कोई सुना होगा, जिसने भी सुना होगा सच में उसका जीवन जरूर बदल जाएगा। अच्छा लगा होगा प्रोग्राम, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें, बहुत सारा प्यार दुलाते हैं। पानी से हम लोग कैसे अपना जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, इसके विषय में बहुत सारी जानकारियाँ मिली आपको, और आप लोग वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।